सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज शनि दोष क्या होता है और इसे दूर कैसे किया जाए, साधारण उपायों के साथ मैं आपको बता रहा हूं। आप जानते ही हैं कि शनि 3, 6, 11 भाव में ही शुभ माना जाता है। शनि की 7.5 जन्म राशि से 12वें जन्म राशि पर और जन्म राशि से दूसरे भाव पे आने पर शनि की 7.5 का प्रारंभ हो जाता है। 12वें भाव में प्रवेश करते ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म राशि से 4वें भाव में जब शनि गोचर करता है तो छोटी अढ़ैया प्रारंभ हो जाती है, और जब चंद्र राशि से 8वें भाव में शनि गोचर करता है तो भी अढ़ैया होती है, उसको छोटी पनौती बोलते हैं। तो ये ऐसे देखा जाए तो ये 5 भाव तो ऐसे खराब हो गए, 4वां, 8वां, 12वां, 1 और 2। अब 5 भाव खराब हो गए, उसमें और भी हैं जिसमें वह आलस्य इत्यादि की वृद्धि करता है। तो शनि की जो गोचरस्थ स्थिति है या शनि की 7.5 है, यह कैसे पीड़ा देते हैं, हमने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि आपको इसका गोचरस्थ फल जानना है तो आप इसे हमारी कुंडली ऐप है एंड्रॉइड फोन के लिए, तो kundali.io करके भी है, उस पे आप जाएं, अपना जन्म डेट और टाइम डालें, स्थान प्लेस सब भर लें और उसमें अष्टक वर्ग खोलें। अष्टक वर्ग में शनि का भिन्नाष्टक वर्ग खोलें। जिस राशि में शनि गोचर कर रहा है आप उसके भिन्नाष्टक में देखें उस राशि में कि कितना पॉइंट मिला हुआ है। अगर 4 से कम है तो निश्चित है पीड़ा मिलेगी, और जिस भाव में है उसी से संबंधित आपको पीड़ा प्राप्त होगी। अगर 4 से ज्यादा है तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। जिस भाव में है उसी भाव से संबंधित, उसी भाव के संबंध अंग पे आपको सुख की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति मिलेगा। ठीक है कि शनि दुख का कारक है, अगर ये दुख न दे तो व्यक्ति को सही का और गलत का भान कभी न हो। यह व्यक्ति को सोने की तरह तपाता है और तपा करके आपकी वैल्यू को बढ़ा देता है। अगर आप संघर्ष नहीं करें, आपको दुख न मिले, आपको कष्ट न मिले तो आप योग्य नहीं बन सकते। इसलिए आपकी योग्यता को निखारने का काम करता है और आपको अपने और पराये का भी शनि ज्ञान कराता है। इसीलिए शनि अति महत्वपूर्ण है। एक तो चलता भी बहुत स्लो है, 2.5 वर्ष में एक राशि को क्रॉस करता है तो इतना स्लो चलता है। इनके सही और शुभ अच्छे फलों को जानने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, अष्टक वर्ग का अवलोकन करें, साथ में तारा चक्र का अवलोकन करें। तारा चक्र में इसमें ध्यान रखें कि अपने जो आपका जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र से आपका जो जन्म नक्षत्र है उससे दूसरे 11वें और 20वें जो नक्षत्र हैं
वह आपका संपत्त नक्षत्र होगा, संपत्तिशाली नक्षत्र। उसमें जब शनि गोचर करेगा तो निश्चित याद रखिए कि संपदा, धन संपदा की वृद्धि होगी। जन्म नक्षत्र से अगर चौथे, 13वें और 22वें नक्षत्र में अगर यह गोचर करता है, साथ में छठा, 15वां और 22वां, तो यह साधक नक्षत्र है और यह क्षेम नक्षत्र था। तो साधक नक्षत्र में आपको हर चीजों में साध्यता लाएगा। साथ में देखेंगे कि अपने जन्म नक्षत्र से 8, 17 और 26वां नक्षत्र जो है वह आपका मित्र नक्षत्र है। इसमें, इन नक्षत्रों में अगर गोचर करता है तो कितना भी पीड़ा आपको हो तो निश्चित याद रखिए वो पीड़ा इस नक्षत्र में प्राप्त नहीं होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि आपको इसके बाद अतिमित्र नक्षत्र आते हैं। यह ध्यान रखना है कि आपका जो खराब नक्षत्र है, हम साधारण तौर से बता दें तो मात्र आपके जन्म नक्षत्र से 3रा, 5वां और 7वां ये नक्षत्र खराब माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में अगर गोचर करता है तो निश्चित ही आपको पीड़ा प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि जब आपका जन्म नक्षत्र, आपके जन्म नक्षत्र से 3, 12 और 21वें नक्षत्र में जब शनि गोचर करेगा तो निश्चित याद रखिए कि वो विपत्ति को देने वाला कष्टकारी है, चाहे उसको कितना भी अच्छा फल प्राप्त हो। अगर शुभ भाव में है तो निश्चित याद रखिए कि वह पीड़ा कम हो जाएगी। अगर अशुभ भाव में है और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो निश्चित है उसकी पीड़ा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर 5, 14 और 23वें नक्षत्र में अगर गोचर करता है तो यह भी पीड़ा कारक है। दूसरी चीजें, 7, 16 और 25वें नक्षत्र में भी गोचर अगर करे तो भी पीड़ा कारक है, कष्टकारक है। ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि यह जो तारा बल है, हम इसका प्रयोग चाहे किसी भी प्रकार का गोचर देखना है तो आप देख करके उसका फलादेश कर सकते हैं। तो इन 9 नक्षत्रों में जब भी शनि गोचर करेगा तो आपके लिए कष्टकारी होगा। जन्म नक्षत्र में जब कष्ट गोचर करता है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और बाकी मित्र नक्षत्र है, अतिमित्र नक्षत्र है, साधक नक्षत्र है, क्षेम नक्षत्र है, यह सब आपके लिए अच्छे माने जाते हैं और इसमें गोचर करने पर आपको वह फल की प्राप्ति देते हैं अपने बलाबल के अनुसार। तो किसी भी प्रकार से आप इनको देखें। हाँ, ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप शनि की शांति कैसे करेंगे। शनि आपके अंदर आलस्य की वृद्धि करेगा, आपको भय उत्पन्न कराएगा, आपको रोगी बनाएगा। ऐसा लगेगा कि मैं, हमारी जीवन में कुछ भी नहीं है और हर जगह उदासीनता आपको प्रकट दिखेंगे, बेइज्जती महसूस होगी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा और आलस्य की वृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। तो आप जब ये बढ़ जाए तो आप इसके लिए उपाय कर सकते हैं, शनि का मंत्र का जप, शिव जी को अभिषेक, शिव को प्रतिदिन जल चढ़ाना, पीपल वृक्ष को, पुराने थोड़े पुराने पीपल वृक्ष हो, नए नहीं तो उनको एक लोटे जल चढ़ाएं और धूप दीप दिखा करके प्रणाम करके आएं शनिवार के दिन। हनुमान चालीसा का पाठ करना इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अगर कभी किसी भी समय पे शनि अमावस्या आ जाए तो उस समय आप अपने घर में गाय के घी में आटे को भूने,
और भुनने के बाद उसमें घी मिलाएं, जैसे उसको हम पंजीरी बोलते हैं, बना करके शक्कर मिला करके, घी में भून करके शक्कर मिला करके, नारियल एक लें, उसका एक आँख खोल दें, तोड़े नहीं खोल दें, माने छेद कर दें, और उसमें धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश न लगे ऐसी जगह बैठ करके आराम से उसके अंदर हुआ पाव जो पंजीरी है आटे से भुना हुआ बना है उसको भर करके आप सूर्यास्त के बाद किसी भी वृक्ष के नीचे, जैसे दूध वाले वृक्ष हों तो बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे ले जा करके थोड़ा सा मिट्टी खोद करके आप दबा दें। वह लगभग महीनों का खाद्य पदार्थ चींटियों के लिए, चींटों के लिए हो जाता है, कीड़ों के लिए। तो यह जब वो खाना चालू करेंगे तो आपको शनि का प्रभाव आपके ऊपर से कम पड़ना चालू हो जाएगा। यह एक प्रयोग है, आप करके देखें, निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। बाकी आप शनि का अनेक मंत्र हैं, जो आपको मंत्र लगे उसको जरूर जपें। जय श्री राधे।